भक्तों साल की सबसे बड़ी एकादशी और सबसे चमत्कारिक देव उठनी एकादशी को ही कहा जाता है। कहा जाता है कि यह एकादशी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से, सच्चे मन से देव उठनी एकादशी के दिन यह एक चीज का लगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, माता लक्ष्मी की जल लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृ दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, कट कट कर देखता है। भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चली सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देवउठनी एकादशी की डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें देवउठनी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इस योग में विष्णु जी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान मां लक्ष्मी की पूजा करना और भी लाभकारी माना जाता है। दोनों की साथ में पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लंबे योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद एक बार फिर शादी विवाह, सगाई व मुंडन जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसे देवोत्थान और देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, इससे वह प्रसन्न होते हैं। ऐसे में देवउठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। देवउठनी एकादशी तिथि 2024 कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। देवोत्थान एकादशी के नियम, देवउठनी एकादशी पर केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति हैं तो केवल एक वेला का उपवास रखना चाहिए। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। आज के दिन AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि इस दिन गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढके रहने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई अर्पित किया जाता है। फिर घी का एक दीपक जलाएं, इसे रात भर जलने दें, फिर भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं, कीर्तन करें, व्रत उपवास की कथा सुनें। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। देवउठनी के बाद तुलसी विवाह, भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद उनके शालीग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन मात्र तुलसी दल अर्पित करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण और वैवाहिक सुख की भावना होती है।
जो लोग इसे संपन्न कराते हैं उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुत्तू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। एकादशी ग्यारस के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सेमफली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन क्या न करें। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। देवउठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान न करें और उन्हें दुत्कारें नहीं। देवउठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी उपवास रखती हैं और इससे उनका उपवास टूट जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें। देवउठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें, उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे ये सभी चाहते हैं, तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं, आपको जीवन में सफलता मिले। इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकती है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। देवउठनी एकादशी पर तुलसी पर चढ़ाएं। इस रंग के वस्त्र हिंदू धर्म में सभी देवी देवता को पूजा करने के साथ भोग और वस्त्र आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी को भी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी ये लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है।
ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी ये लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है पीले रंग के वस्त्र पहने। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। करियर में होगा सुधार। अगर आपके भी करियर में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विवाह के योग अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा के दौरान केसर हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। मिलेगी कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होता और जीवन से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। भक्तों, अभी तक आपने जय मां लक्ष्मी जय भगवान विष्णु ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए, भगवान विष्णु के लिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। यह गलती आपके भगवान विष्णु को क्रोधित कर सकती है, इसलिए ऐसी गलती भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिए। चलिए आगे जान लेते हैं कौन सी गलतियां भगवान विष्णु को क्रोधित कर सकती हैं, इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, भूल से भी ना करें। ये गलती एक दोपहर में नहीं सोएं। चार माह के लंबे समय के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। ऐसे में हमें दोपहर में नहीं सोना चाहिए और प्रभु का कीर्तन भजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्ना होती हैं और धन लाभ होता है। और सोना अशुभ और भगवान का अनादर माना जाता है। चावल का सेवन नहीं करें। पौराणिक मान्यताओं और कहानियों में एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाला जीव बनता है, इसलिए चावल, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन एकादशी के दिन नहीं करें। साथ ही लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। किसी को भला बुरा नहीं बोलें। देवउठनी एकादशी को व्रत के दौरान किसी भी व्यक्ति को भला बुरा नहीं बोलें और ना ही किसी के लिए मन में बैर पाले। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। भूल कर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में भूल कर भी इस दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ें, इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर करें इन चीजों का दान। देवउठनी एकादशी पर पीले वस्त्र, मुरली, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, उड़द वस्त्र, सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी फल, केसर, केला, हल्दी, मोर पंख और शंख आदि का दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी तीसरे व्यक्ति से गलती से न करें, क्योंकि दान को जितना हो सके उतना छिपाकर करना चाहिए। भक्तों, यह भी जानना आपके लिए बेहद हॉट, बेहद ही जरूरी और खास है कि देवउठनी एकादशी का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि दिवाली के बाद होने वाली इस एकादशी के दिन ईश्वर का उत्थान होता है, इसलिए विवाह, उपनयन या गृह प्रवेश आदि जैसे सभी शुभ कार्य देवउठनी ग्यारस के बाद से शुरू होते हैं। इसी कारण इस ग्यारसी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। घरों में चावल के आटे से चाक बनाया जाता है तथा बांस के छत्र कैनोपी के बीच भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पटाखे भी जलाए जाते हैं। देवउठनी ग्यारसी को आमतौर पर छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। ग्यारसी के इस दिन से मंगल का संवाहक फिर से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी विवाह के साथ ही घर में सभी सकारात्मक कार्य सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। तुलसी का पौधा प्रकृति का चित्रण करने के साथ ही एक औषधीय पौधा भी माना जाने के कारण लाभप्रद होने से सभी को दान में दिया जाता है। चार महीनों की निद्रा से भगवान विष्णु के जागने के बाद
उस क्षण के बाद से सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार एकादशी का दिन वास्तव में नीरस होने के कारण विशेष रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस दिन से विवाह और कई अन्य शुभ कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। इस दिन व्रत रखने का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। महिलाएं तुलसी विवाह के दिन अपने लॉन को मलमल से सजाकर इस त्योहार को भजन और गीतों के साथ मनाती हैं। दीप दान के लाभ ऐसा कहा जाता है कि नियमानुसार देवोत्थान, एकादशी भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और देवी वृंदा तुलसी के विवाह का दिन होता है। भगवान विष्णु की निद्रा के 4 महीनों के दौरान सृष्टि के कार्यों से मुक्त होने पर, भगवान रुद्र के शांत हो जाने पर, भगवान विष्णु 4 महीनों लंबी निद्रा से जागने के बाद ब्रह्मांड के प्रबंधन कार्यों को फिर से शुरू करते हैं। अतः इस दिन पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिन के उजाले में घर की छत पर दीपक रखकर आनंद और सुख में वृद्धि करने के लिए रात में रोशनी करके घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होने देना चाहिए। आखिर श्री हरि निद्रा में क्यों जाते हैं? एक समय की बात है, भगवान विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप पूरे दिन जागते हैं और जब निद्रा लेते हैं तो वर्षों के लिए निद्रा में चले जाते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए इसे समझते हुए योजनानुसार निद्रा लें, जिससे मेरी भी मदद हो जाए। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी आपने सत्य और उचित ही कहा है। मेरे जागने से अन्य सभी देवताओं को और विशेष रूप से आपको मेरी सेवा के कारण विश्राम नहीं मिल पाता है। आज से मैं वर्षा ऋतु में 4 महीनों के लिए निद्रा में जाऊंगा, जो अल्प निद्रा और योग निद्रा कहलाएंगे, जिससे मेरे अनुयायियों पर परम कृपा बनी रहेगी। इस अवधि के दौरान मेरी निद्रा की भावना का ध्यान रखने वाले सभी भक्तों के घरों में हमेशा आपके साथ वास करके कृपा बरसाऊंगा। तुलसी शालिग्राम विवाह कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाओं द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु, जिन्हें शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है, और विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी वृक्ष और शालिग्राम का विवाह समारोह सुंदर से मंडप में किया जाता है। समारोह के दौरान नामाष्टक सहित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तुलसी शालिग्राम विवाह को मनाने का कारण सुखी वैवाहिक जीवन और पुण्य की प्राप्ति होता है। कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष दान करने से बड़ा कोई दान नहीं होता पृथ्वी लोक में, जो इस प्रकार है, वृंदावनी, वृंदा, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्ण जीवनी और तुलसी। श्री हरि के पवित्र प्रसाद में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य होता है और भगवान की माला और चरणों में तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। देवोत्थानी एकादशी पौराणिक व्रत कथा। एक बार एक राजा था और उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी के दिन पशुओं सहित कोई भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य से एक आदमी ने राजा के पास आकर नौकरी पर रखने का अनुरोध किया। राजा ने उसे नौकरी पर रखने की सहमति देने से पहले शर्त रखी कि उसे एकादशी के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन भोजन दिया जाएगा। उस समय उस आदमी ने राजा की शर्त मान ली, लेकिन एकादशी के दिन जब उसे फल दिए गए तो उसने फल लेने से मना कर दिया और राजा के पास जाकर विनती की कि यह फल उसके लिए पर्याप्त नहीं है और वह भूख से मर जाएगा, और उसने राजा से खाना देने की विनती की। इसके बाद राजा के शर्त याद दिलाने के बाद भी वह खाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। राजा से भोजन प्राप्त करने के बाद उस आदमी ने सामान्य रूप से नदी में स्नान करके भोजन तैयार करना शुरू किया। खाना बन जाने के बाद वह भगवान को आकर खाने के लिए बुलाने लगा। उसके पुकारने पर भगवान पीताम्बर धारण करके चतुर्भुज रूप में आए और उसके साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद ईश्वर वहीं रुक गए और वह आदमी अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद दोबारा एकादशी आने पर उस आदमी ने राजा से दुगनी मात्रा में भोजन देने की विनती की। कारण पूछने पर उसने राजा को उत्तर दिया कि वह उस दिन भूखा रहा, क्योंकि ईश्वर ने भी उसके साथ भोजन किया था जो 2 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया तथा विश्वास करने को तैयार नहीं था कि भगवान उस आदमी के साथ भोजन करते हैं। राजा बोला कि वह एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी उनके सामने प्रकट नहीं हुए। यह सुनने के बाद उस आदमी ने कहा कि अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो वह उसके साथ चलें और वृक्ष के पीछे छिपकर वहां जो कुछ हो रहा है उसे देख लें। उस आदमी के सच और झूठ को जानने की इच्छा से राजा नदी के पास जाकर पेड़ के पीछे छिप गए। हमेशा की तरह आदमी ने खाना पकाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। आखिरकार
उस आदमी ने भगवान से प्रार्थना की कि यदि वह नहीं आए तो वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह स्वयं मरने के लिए नदी की तरफ चलने लगा। जीवन खत्म करने की उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति जानकर ईश्वर ने जल्दी से प्रकट होकर उसे ऐसा करने से रोका और फिर दोनों ने एक साथ भोजन का आनंद लिया। भोजन करने के बाद भगवान उसे अपने विमान से अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा को एहसास हुआ कि जब तक मन शुद्ध न हो तब तक उपवास करने का कोई लाभ नहीं है। इससे राजा को सीख मिली और उसने भी शुद्ध मन से व्रत करना प्रारंभ किया और अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। देवउठनी एकादशी कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग आनंद पूर्वक रहते थे, हालांकि उसके राज्य में कोई भी अन्न या खाद्य पदार्थ न बेचकर सिर्फ फल बेचा करते थे। एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया और भगवान स्वयं एक सुंदर कन्या का रूप बदलकर मार्ग में बैठ गए। उसी समय राजा ने वहां से जाते हुए उसे देखकर पूर्ण आश्चर्य के साथ उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम यहां क्यों बैठी हो? तब उस सुंदर महिला ने कहा कि मैं बेसहारा हूं और इस शहर में मेरी कोई पहचान न होने के कारण मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती हूं। राजा उसके रूप पर आकर्षित होकर बोला, तुम मेरे महल में मेरी रानी बनकर क्यों नहीं रहती? तब उस सुंदर महिला ने कहा, मैं तभी आपकी बात मानूंगी जब आप अपनी सभी जिम्मेदारियां मुझे सौंप देंगे, साथ ही मेरे पास आपके राज्य के सभी अधिकार होंगे। मैं जैसा खाना बनाऊंगी आपको खाना होगा। राजा अत्यधिक आसक्त होने के कारण उसकी सभी बातों पर सहमत हो गए। अगले दिन एकादशी थी और रानी ने बाजार में खाना बेचने का आदेश दिया तथा मछली और मटन पकाकर राजा से खाने को कहा। तब राजा यह देखकर बोला कि आज एकादशी को वह केवल फल खाएंगे। उसी क्षण रानी ने उसे वादे की याद दिलाकर कहा, या तो आप खाना खाइए अन्यथा मैं आपके बड़े बेटे का सिर काट दूंगी। इस विषय पर राजा ने इस समस्या को अन्य रानी के साथ साझा करने का निर्णय करके स्थिति को स्पष्ट किया। तब महारानी बोली, प्रिय राजन, आपको उदास नहीं होना चाहिए और आपको अपने सदाचार और नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का बलिदान देने की सलाह दी। उस समय बेटे ने मुड़कर अपनी मां की आंखों में अश्रु का कारण पूछा। इस सब का कारण जानने के बाद उसने अपना सिर बलिदान करने के लिए सहमत होकर कहा कि आपको नैतिकता और सदाचार का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए। तब राजा के इस पर सहमत होने पर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे मूल्यों से प्रभावित हूं, तुम मुझसे कोई भी आशीर्वाद मांग सकते हो। तब राजा बोले कि आपकी दया से हमारे पास सब कुछ है, हम सब आपके मार्गदर्शन की अभिलाषा रखते हैं। यह कहकर राजा ने अपने पुत्र को सौंप दिया और तब उसका पुत्र दिव्य लोक की ओर चला गया। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो कॉल लाइव जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और गौ माता को इस दिन गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, अच्छा में रोटी रखकर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि यह करने से हमारे सभी पाप दुख दर्द सभी नस नष्ट हो जाते हैं और हमें सुखों की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। भक्तों, यह उपाय सबसे खास और सबसे चमत्कारी उपाय माना जाता है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।